नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है मनीष कुमार, आप देख रहे हैं टेकमैन व्लॉग्स। R22 रेफ्रिजरेंट लोग यूज़ करते हैं AC के अंदर, और ख़रीदने जब जाते हैं उन्हें पता नहीं होता है ओरिजिनल कौन सी है, लोकल कौन सी है। बस जाते हैं मन में सोच के कि उन्हें ओरिजिनल गैस मिलेगी, और उन्हें खुद पता नहीं होता है कि उन्हें ओरिजिनल मिली है या नहीं मिली है। बस जो शॉपकीपर है बस उसके भरोसे के अंदर वो गैस ले लेते हैं और गैस डाल लेते हैं। कभी कोई दिक्कत आती है तो वो खुद में ही उलझे रहते हैं कि ये हमें क्या दिया था क्या नहीं दिया था, सामने वाले से पूछे और वो बताएगा भी तो सच बताएगा या नहीं बताएगा कौन सी गैस उसने दी है। देखो, मैं R22 के अंदर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि R22 के अंदर सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी होती है, सबसे ज़्यादा उसके अंदर कूड़ा मिलता है। क्योंकि ओरिजिनल गैस जो है वो आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि गैस एक ऐसी चीज़ है वो आपको छुपा के दिया जाता है। मतलब छुपा के तो मैं कैसे बोलूँ, वो आपके सामने आपको बता के नहीं दिया जाता है कि ये कौन सी गैस है या इस सिलेंडर में कौन सी गैस है। अधिकतर आपने सुना होगा मेफ्रोन की एक गैस आती है। देखिए, जैसे मेफ्रोन के मेरे पास एक ये सिलेंडर दिख रहा होगा आपको पीछे, ये रहा। तो मेफ्रोन की ये जो गैस आती है R22 के अंदर, ये मेफ्रोन की इतनी डुप्लीकेसी है। मेफ्रोन ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी नहीं है, ब्रांड नहीं है। देखिए, मैं आपको जैसे दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए, ये मेफ्रोन की गैस है R134। ये मतलब कंपनी है मेफ्रोन। अधिकतर क्या है, मेफ्रोन इतनी पुरानी कंपनी है कि उसकी डुप्लीकेसी आराम से हो जाती है अब, क्योंकि काफ़ी फेमस हो चुकी है। और आपको ये जो पीछे मेफ्रोन का जो सिलेंडर दिख रहा है, ये एक्चुअल में ओरिजिनल गैस नहीं है, ये ओरिजिनल गैस नहीं है। ये R22 का ही सिलेंडर है, R22 के अंदर ये ओरिजिनल गैस नहीं है। R22 के की पहचान मैं आपको बता दूं सिलेंडर से क्या होती है। R22 के नीचे ये जैसे आपको दिख रहा होगा, ये जो कलर है ये हरे रंग का दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखो, ये इस तरीके का होना चाहिए था डार्क, लेकिन उन्होंने ऐसा कलर कर रखा है, उस पर लिख रखा है बल्कि M22 मेफ्रोन 22। लेकिन इस तरीके का ये कोड होता है, ग्रीन कोड जो होता है वो R22 का होता है, लेकिन इन्होंने ना घिया कलर किया हुआ है इसके ऊपर। जबकि घिया कलर जो है ना, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, आपको इस सिलेंडर पे दिखाता हूँ। जैसे ये सिलेंडर जो है, ये देखिए फ्लेमेबल गैस लिखा हुआ है, ये R32 का सिलेंडर है। तो देखिए, ये कलर और ये कलर लगभग सिमिलर से हैं, ये देखिए दोनों सिमिलर हैं। तो ये जो कलर है ना, ये ओरिजिनल गैस है फ्लोरोन की SRF वालों की तरफ से। ये 32 नंबर के सिलेंडर पे ये जो कोड होते हैं, कलर कोड, इन कलर कोड से पहचाना जाता है कि ये कौन सी गैस है। जैसे फ्लोरोन के ये जो सिलेंडर है, ये R410 का सिलेंडर है, मैं आपको दिखाऊं तो R410, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये R410 लिखा हुआ है। तो ये कलर कोड होते हैं, कलर से आप पहचान सकते हो कि सिलेंडर कौन सा है। तो अब आते हैं वापस मेफ्रोन के ऊपर। देखिए, मेफ्रोन की जो दोस्तों कॉपी जो होती है ना, वो इसीलिए ही होती है कि क्योंकि काफ़ी फेमस गैस है। फ्लोरोन जो है, फ्लोरोन की कॉपी इसीलिए नहीं होती क्योंकि फ्लोरोन जो है डायरेक्ट कंपनी से आती है, और उसके सिलेंडर के नीचे एक मैंने आपको दिखाया था एक डिवाइस लगा होता है। और मेफ्रोन की अधिकतर, देखो मैंने तो अभी तक कोई मेरे करियर में फ्लोरोन के अंदर अभी तक मैंने कोई सिलेंडर ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर लोकल गैस आती है। ये मेफ्रोन के अंदर जो है सबसे अधिकतर मेफ्रोन ही आपको दिखेंगे जब आप गैस लेने जाते हो, मेफ्रोन के सिलेंडर से आपको गैस निकाल के दी जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सी जगह तो ये मेफ्रोन के सिलेंडर भी नहीं होते हैं। यहाँ पे है ना एक प्लेट रखी जाती है, प्लेट रख के उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है और ये नाम लिख जाता है। तो देखो, मेरा तो काम क्या है, आप लोगों को सच दिखाना। मैं आपको सच दिखाना चाहता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर क्या होता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कौन आपको कैसी गैस देता है, लेकिन मेफ्रोन के अंदर अधिकतर लोकल गैस आती है। अब मेफ्रोन के अंदर ओरिजिनल गैस भी आती है, अब उसकी पहचान कैसे होती है, अगर आप पहचान करने चलोगे तो वो बताएगा तो नहीं, खुद बताएगा नहीं कोई भी दुकानदार वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। और अगर मान लो कोई सच बता भी रहा है, या मैं ये कहूँ कि मान लीजिए कि आप मेरे पे भरोसा करते हो और मुझसे पूछने आते हो, मुझसे बात करते हो, मान लो मैं बताऊँ भी आपको, तो आप कैसे समझोगे वो देखिए। ये देखिए, ये जैसे मेफ्रोन इस पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कोई स्टिकर नहीं है, ये देखिए ना, यहाँ कोई स्टिकर है ना, यहाँ कोई स्टिकर है, और ये देखिए यहाँ पे सिर्फ इसका KG लिखा हुआ है इधर। तो यहाँ इस सिलेंडर पे क्या होता है, ओरिजिनल जो गैस होती है उस पर इस तरीके से मार्क करती है कंपनी कि इस ये ऐसा स्टिकर लगाएगी, और ऐसा स्टिकर जहाँ लगा होगा जिस सिलेंडर पर, उस वही सिलेंडर के यहाँ भी लगा होता है।
देखिए यहाँ पे, तो जैसे ये पुराना सिलेंडर हो गया है, देखिए 2020 का मेरा लिया हुआ है, ये काफ़ी पुराना है। तो ये ओरिजिनल गैस थी, ये मैंने 2020 में ली थी। तो जैसे मैं आपको नया सिलेंडर कोई दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपको 10/8/2022 का दिख रहा है सिलेंडर। तो ये अभी मैंने पिछले साल ही लिया है, लगभग समझ लीजिए 4-5 महीने ही होंगे। तो इसके ऊपर जो यहाँ पे ये स्टिकर है, वही स्टिकर इसके यहाँ भी होगा, ये देखिए यहाँ भी है, ये देखिए। तो ऐसे ही मैं आपको नए सिलेंडर पे अगर दिखाऊं फ्लोरोन के, तो देखिए ये भी मैंने खोला हुआ है, यहाँ भी स्टिकर है। और ये इस तरीके की यहाँ पे पैकिंग होती है, पहले इसको फाड़ेंगे तब इसके अंदर निकलेगा। तो फ्लोरोन तो जेन्युइन जो होती है, उसके ऊपर इस तरीके से एक हॉलमार्क आता है और ऐसी पैकिंग आती है, और इस पैकिंग के अंदर जो स्टिकर होता है, मतलब ऐसा जो स्टिकर होता है, वही स्टिकर उसके यहाँ भी होता है, यहाँ पे, ये देखिए, जैसे यहाँ ये रहा, ये बैक साइड में आपको दिखेगा इधर कहीं, ये शायद, ये देखिए ये रहा, यहाँ पे फाड़ दिया गया, ये फट जाता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये यहाँ होना चाहिए, कोई निशानी तो मिलनी चाहिए यहाँ पे। वही इसको फाड़ के निकालेंगे तो इसकी बैक साइड में मिलेगा, जैसे देखिए ये रहा, ये भी 32 का ही सिलेंडर है, जो ये है, ये भी R32 का है, ये देखिए जो यहाँ पे स्टिकर है ना, ये देखिए वही स्टिकर इसके बैक साइड में भी मिलेगा, इसके पीछे। तो ऐसे ही इस पर भी था, लेकिन देखिए यहाँ पे फट गया है, लेकिन ये ओरिजिनल गैस है, डायरेक्ट कंपनी से आती है मेरे पास। तो अब मेफ्रोन पे जब हम आते हैं, वही चीज़ मेफ्रोन पे जब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ ओपनली बस यहाँ लिख दिया गया है कि इसमें इतना केजी गैस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पैकिंग देखिए इसकी, ये सील देखिए इसकी कैसी है, ये इस पर कोई मेफ्रोन नहीं लिखा हुआ है, और कितनी मतलब बेकार पैकिंग है इसकी, ये देखिए। और इसको फाड़ के मैं निकालूंगा ना, तो इसके पीछे भी कोई स्टिकर नहीं मिलेगा, जिस तरीके से इस पे होता है। तो ये मेफ्रोन के जो सिलेंडर होते हैं, इनके अंदर अधिकतर लोकल गैस ही आती है, मतलब अधिकतर लोकल गैस ऐसे मेफ्रोन के नाम से बेची जाती है, जबकि मेफ्रोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों। मेफ्रोन बहुत बड़ा ब्रांड है जो रेफ्रिजरेंट बनाता है, और मेरी नज़र के अंदर तो SRF से पहले से मैंने देख रहा हूँ, मतलब मैंने लेट देखा है, शायद वो SRF पहले से बना रहा होगा, लेकिन जब मैंने करियर शुरू किया था लगभग 14-15 साल पहले, तो मैं मेफ्रोन के ही सिलेंडर उस टाइम भी देखता था मैं। हो सकता है उस टाइम भी लोकल गैस मिलती हो, तो लेकिन जो अधिकतर लोकल गैस जो मेफ्रोन के नाम से बेची जाती है, लेकिन वो मेफ्रोन होती नहीं है। और मेफ्रोन के अंदर अगर आप ओरिजिनल गैस लोगे, तो जो अभी मैंने आपको स्टिकर दिखाए, वो स्टिकर भी मिलेंगे उसके ऊपर, और ओरिजिनल जो ऊपर की सील जो होती है, वो भी मेफ्रोन की मार्किंग में होती है, मेफ्रोन उस पर लिखा होता है। तो अधिकतर मैंने आपको बताया कि इस तरीके के सिलेंडर में लोकल गैस मिलती है, जहाँ पे ऐसे कोई स्टिकर ना मिले, वो आप चेक कर लेना। और ऐसे ही जो मेफ्रोन है, ये कोई भी लिख देगा। अधिकतर क्या है कि SRF फ्लोरोन के अंदर जो है लोकल गैस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने भी नहीं देखा कि क्यों ऐसा होता है। हो सकता है शायद कंपनी के कुछ नॉर्म्स हो, या कंपनी कुछ कहीं पर जाके इन्वेस्टिगेशन भी करती हो, या धरपकड़ भी करती हो, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन फ्लोरोन के अंदर बहुत कम मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन हो सकता बहुत कम देखा भी जाएगा, तो बहुत कम देखा जाएगा कि फ्लोरोन के सिलेंडर पे लोकल गैस मिल जाए किसी को। अब क्या आते हैं इसके ऊपर कि इसके अंदर हम कैसे किसी पे भरोसा करें कि कौन सी गैस दे रहा है। तो आप जिसके अंदर आपको बहुत कम देखने को मिले कि इसके अंदर डुप्लीकेसी बहुत कम देखने को मिलती है, तो फ्लोरोन के अंदर डुप्लीकेसी बहुत कम मैंने तो नहीं देखी। तो अगर नहीं देखी मतलब नहीं मिली है, तो आप फ्लोरोन का ही गैस खरीदें, आप कहीं से भी खरीदें, फ्लोरोन की अगर आप गैस खरीदोगे तो आप 99% श्योर रहोगे कि आपको ओरिजिनल गैस ही मिली है। अब होता क्या है, सीजन जैसे पीक पे पहुंचता है, जून जुलाई के महीने में पहुंचता है, तो आपने देखा होगा कि 800 रुपये KG 900 रुपये KG अभी लास्ट सीजन गैस हो गई थी। तो आपको क्या यकीन है पूरा कि आपको जो गैस दी गई है वो ओरिजिनल गैस दी गई है, जबकि ओरिजिनल जो गैस है वो 850-850 रुपये KG आपको मिल जाएगी, और लोकल गैस जो है वो 500-550 रुपये KG मिल जाती है। अब उसी गैस को जब पीक पे सीजन पहुंचता है, वहाँ पे उसको 900 रुपये KG बेचा जाता है, जबकि ये गलत है। हाँ, ऐसा ज़रूर कर सकते हैं बाकी लोग कि आपको बता के कि ये चीज़ ओरिजिनल है, और ओरिजिनल चीज़ 1000 रुपये KG हो गई है, और लोकल आपको 800 रुपये KG मिल रही है। लेकिन कई टेक्नीशियन भाई मेरे को बताते हैं कि उनको 900 रुपये KG गैस दी गई, और उससे उनके AC का हेड बढ़ रहा था, और अच्छी जो है एफिशिएंसी नहीं आ रही थी कूलिंग के अंदर। तो ये चीज़ गलत होती है लोगों के साथ में, जब उनको चीज़ महंगी भी मिली और लोकल भी मिली। तो जितनी कीमत के अंदर ओरिजिनल गैस मिल जाती है उनको,
उसी कीमत में उनको लोकल गैस दे दी गई और सीजन में उनको परेशानी भी झेलनी पड़ी। तो वैसे ही अगर अभी जो मैंने आपको ये बड़े सिलेंडर जो हमने दिखाए हैं आपको, जो आप गैस भराते हो, उसी तरीके से छोटे सिलेंडर भी आते हैं जो जिन्हें कैन बोला जाता है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा 61 केजी के अंदर अब ये छोटे कैंस हैं R22 के, और R22 के अंदर ये R रेफ्रो मैक्स है और ये SRF की फ्लोरोन गैस है। अब इनके अंदर क्या है देखिए, ये तो सील्ड है और ये पिन वाल में आती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों R22 हैं, जबकि इन दोनों के अंदर सिर्फ ओरिजिनल ये R22 है, क्योंकि SRF फ्लोरोन की जो गैस R22 है, इसी तरीके से दो और कंपनियां हैं जो R22 को बनाती हैं। मतलब ये टोटल तीन कंपनियां हैं, SRF, मेफ्रोन और दूसरा रेफ्रोन। तो ये जो तीन कंपनियां, सिर्फ ये तीन कंपनियां ही R22 को बना सकती हैं और इंडिया के अंदर बेच सकती हैं, इंडिया के बाहर भी नहीं बेच सकती। तो बात आती है रेफ्रोमैक्स पे। ये रेफ्रोमैक्स जो है, ये जो है कैन लोगों को 500 से 600 रुपए के आसपास कहीं भी मिल जाता है, जबकि ये जो कैन है ये 400 रुपए का कैन है। इसमें 450 ग्राम गैस आती है देखिए, और इसके अंदर 1 kg के आसपास गैस है, इसके अंदर 1 kg के आसपास गैस है, मतलब पूरी 1 kg इसके अंदर गैस है। तो अब आप ये देखिए कि जो तीन कंपनियां जो खुद मैन्युफैक्चरर हैं R22 की, वो इतनी महंगी गैस दे रही हैं, और ये रेफ्रोमैक्स, इसके अंदर देखिए आपको कोई एड्रेस भी नज़र नहीं आएगा कि ये कहाँ पे बन रही है, क्या है, ये देखिए कोई डिटेल नहीं मिलेगी इसके बारे में आपको। ये देखिए कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ये देखिए कहीं आपको एड्रेस दिख रहा हो, ये देखिए किस कंपनी ने इसको बनाया है ये दिख रहा हो आपको, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए कहीं नहीं मिलेगा, बस स्पेसिफिकेशन दे दी है कि ये R22 का जो केमिकल है वो किस उसकी कंपोजिशन क्या क्या है। ये देखिए अब लिखा हुआ यहाँ पे R22 है, जबकि ये जो SRF की या मेफ्रोन की भी आप ले लोगे, मेफ्रोन तो कैन नहीं बनाती है, लेकिन SRF कैन बनाती है R22 की। आप देखिए इसके अंदर SRF लिखा हुआ है, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। अब आप इसको पीछे देखोगे तो ये देखिए सारी डिटेल्स दी गई हैं, और देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया नॉट फॉर सेल इन USA। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ ये इसको बनाने वाले कौन है, कहाँ कहाँ पे इनका ऑफिस है, क्या कॉन्टैक्ट है, ये देखिए क्या कौन सी साइट है, ये सब कुछ इस पे दिया गया है, देखिए सब कुछ दिया गया है। तो क्या होता है कि आपको लगता है कि रेफ्रोमैक्स जो है ये ओरिजिनल R22 है, इसको आप ओरिजिनल समझ के ले लेते हो, जबकि ओरिजिनल ये नहीं है, ओरिजिनल सिर्फ ये है, ये गैस है, ये चाइनीज़ गैस है। ये गैस आप डालोगे इसको डाल के, और एक सिस्टम में इसको डाल के देख लेना, एक सिस्टम में इसको डाल के देख लेना, और कूलिंग एफिशिएंसी देख लेना किसकी बेस्ट है। ये लोकल गैस है, 600 रुपये में 500 रुपये में कोई ओरिजिनल गैस नहीं मिलती है R22। और यही इसी क्योंकि ये 500-600 रुपये इसका रेट इसलिए है क्योंकि ये लोकल गैस भी जो है वो इसी रेट में आती है, समझ रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको जो अभी चीज़ें दिखाई हैं, ये R22 से रिलेटेड सारी चीज़ें वापस मैंने बताई। आप जब भी किसी से लो तो भरोसा आप जिस पे करोगे आप उसी से ही गैस लेते हो, लेकिन आप जिस पे आप भरोसा करते हो वो भरोसे के मतलब कैसे लायक है ये मुझे समझ में नहीं आता, आप कैसे जज करते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग, अधिकतर लोग वो हैं जो टेक्नीशियन भाई लोकल गैस लेते हैं, जान के लोकल लेते हैं, जबकि लोकल मत लो भाइयों, क्योंकि लोकल से क्या है AC का हेड बढ़ता है और बार बार आप परेशान होते हो। हाँ, आपके गेज के अंदर सुई तो दिख जाती है आपको 65-70 तक, लेकिन उसका हेड, वो खुद हेड बढ़ाती है, उसका काम ही है हेड बढ़ाना, तो वो सुई तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर बढ़ाएगी बढ़ाएगी, जबकि उसके अंदर गैस वो गई नहीं है, मतलब वो एक्चुअल में R22 तो वो थी ही नहीं, बस उसने प्रेशर बढ़ा दिया और आपको थोड़ी सी कूलिंग दिखा दिया और आपको लगता है इसमें गैस पूरी हो गई है, जबकि वो कूलर जैसी हवा देता है, एक कूलर भी वैसी हवा दे देगा, जबकि ओरिजिनल जो गैस होती है वो सामने, अगर आप उस किसी सिस्टम में आपने उसको डाल दिया तो सामने खड़ा भी नहीं होने देगी, इतना ठंडा कर देगी आपके फेस को, आपके चेहरे को, और ज़रा पास में खड़े हो गए तो सर दर्द कर देगी, इतनी ठंडी होती है। तो मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि R22 के अंदर कैसे कैसे लोकल गैस मिलती है मेफ्रोन के सिलेंडर में। आप जितनी कोशिश हो सके वहीं से गैस लो, ओरिजिनल अगर आपको लेनी है जहाँ पे SRF के सिलेंडर हो, क्योंकि हमने देखा गया है कि जहाँ भी SRF के सिलेंडर से गैस मिलती है वो ओरिजिनल ही मिलती है।
तो अभी तक तो मेरा कोई ऐसा सामना नहीं हुआ है कि SRF के सिलेंडर से लोकल गैस मिल गई है। तो आप भी हमेशा SRF की ही गैस खरीदो अगर आप R22 खरीद रहे हो। देखो आती तो R32 R410 भी लोकल आती है, उनमें भी लोकल आती है, वो भी आपको 500-550 रुपये के जी मिल जाएगी, लेकिन वो सब लोकल गैस हैं। R22, R32, R410 ये सब, इन सबको लोकल बनाने वाले लोग मौजूद हैं। आप चाहते हो कि आपको लोकल मिले, इसीलिए वो लोकल रखते हैं। आप अगर ओरिजिनल पे आ जाओ तो वो भी ओरिजिनल रखना शुरू कर देंगे, लेकिन उनको कमाई भी लोकल पे ज़्यादा होती है, ओरिजिनल पे कमाई कम होती है। तो ये जो मैंने आपको पहचान बताई, इस तरीके से आप थोड़ा बहुत अगर जांच सको तो इस तरीके से जांच लेना। बाकी ये इस वीडियो में आज मैंने जो भी बताया आपको, आप किसी से द्वेष मत करना, किसी से बहस मत करना, आप खुद चेक करना जो भी आपको मैंने ये चीज़ें बताई। बाकी दोस्तों मेरी वीडियोज़ के साथ आप ऐसे ही बने रहिए, आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट में पूछिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में फैमिली में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आगे भी ऐसी वीडियोज़ में लाता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।